हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल मीठा सफ़र। तो आज मैं आई हूँ इस्कॉन टेंपल के गोविंदास प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। तो ये है उसका रेस्टोरेंट, तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और आपको पूरा उस रेस्टोरेंट दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट कैसा है और यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट में इसलिए आई थी क्योंकि हमारा एकादशी का व्रत भी था और मैं ये भी दिखाने आई थी कि यहाँ पर एकादशी की जो थाली मिलती है वो कैसी थाली होती है और उसका क्या प्राइस है। तो प्राइस तो इसमें मैंशन हो रखा है, एकादशी की थाली का प्राइस है 400 और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जब कभी आपका एकादशी का व्रत हो और आप इस्कॉन टेंपल आए हो और वहाँ पे कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पे वैसे तो बाहर काफ़ी स्टॉल हैं, बट ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन थाली मिलती है और सेकंड एकादशी व्रत की थाली मिलती है, जो सबसे बेस्ट है कि कभी आप एकादशी पे दर्शन करने आए और यहाँ पे आप बैठ के आराम से उस खाने का प्रसाद का एंजॉय ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी एकादशी की थाली का ऑर्डर दे दिया है, तो बस वो थोड़ी देर में आने ही वाली है। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि उस थाली में क्या क्या है, कितने आइटम्स हैं और क्या क्या उन्होंने उसमें हमें दिया। ये हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब 16 फरवरी को विजया एकादशी आ रही है, तो अगर आपको इस थाली का आनंद लेना हो तो आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं और उसके रेस्टोरेंट में बैठ के इस भोजन का आनंद उठा सकते। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एकादशी की थाली और देखिए इसमें कितने सारे आइटम्स हैं। इसमें एक खीर है, आलू की सब्जी है, शाही पनीर है और सामक के चावल की खिचड़ी है और क्या बोलते हैं वो रायता है, वो फ्रूट्स वाला रायता है, सैलड है और 3 पूड़ी है। तो हमने डिसाइड किया कि इस प्रसाद को हम तीनों लोग आपस में शेयर करेंगे और फिर उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हमने उनसे पूछ लिया था अगर हम कुछ ऑर्डर करेंगे तो आप कर दोगे। उन्होंने बोला हाँ हम कर देंगे, तो हमने फिर इसके ऊपर से पूड़ी और एक्स्ट्रा मंगाई थी, बाकी तो क्वांटिटी में कोई ऐसी कमी नहीं थी और हमने इसको बहुत अच्छे से खाया। और वहाँ पे जो वो सर्व भी कर रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छे से सर्व कर रहे थे और बहुत ही आदर सम्मान से हमें उस भोजन को खिला रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अगर इस्कॉन टेम्पल जाएँ तो इस भोजन को ज़रूर ट्राई करें और आप जनरल भी घूमने जाएँ तो भी वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है और आप जाके उस भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और हम तीनों ने बहुत ही इंजॉय किया और अपने व्रत को भी हमने वहीं इस्कॉन टेंपल में ही इस व्रत को खोला। तो अगर आपको कभी उसे जाना हो तो आप इस भोजन को ज़रूर खा सकते हैं। और ये उसका रिसेप्शन है उस रेस्टोरेंट का और वहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, बस जैसे ही हम निकल रहे थे तो हमें ये छोटे से लड्डू गोपाल हमारे मिले, प्यारे से कान्हा शॉल और उड़े हुए, इतने प्यारे लग रहे थे, वो बड़ी बड़ी आंखों से हम लोगों को देख रहे थे और हमें विदा करने आए थे कि ऐसा वक्त तुम लोग अपने घर जाओ। तो बस अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे थे, फिर एक ये स्टॉल देखी हमने, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ, श्री राधा पार्थ सारथी महाप्रसादम। तो इस टाइप के वहाँ पर कई स्टॉल्स हैं जिनसे जहाँ से भी जाके आप अपने व्रत का को खोल सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।